नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब हस्टडी चैनल पे। और फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज हुई लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे दोस्तों आप सभी के सामने लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि दोस्तों शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों आगामी समय के अंदर शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर दोस्तों बंपर शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ में यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। अगर बात करें शिक्षक भर्तियों के संबंध में, प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में दोस्तों आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर या फिर दोस्तों अगर बात करें जो शिक्षकों के पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, लगभग दोस्तों 1.5 लाख पदों पे आपको आगामी समय भर्ती आने वाली है, चाहे वो टेट के पहले हो या फिर टेट के बाद में। तो लगभग दोस्तों सभी भर्ती के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों आदेश को दिखाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यह वीडियो दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया जो अभ्यर्थी दोस्तों लगातार अगर बात करें पिछले कई समय से शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों आप सभी को बताएं कि शिक्षक भर्तियाँ निकलती तो हैं लेकिन न्यायालय के अंदर जाकर के लटक जाती हैं, और उसके जाने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। ना तो दोस्तों पुराने शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति मिल पाती, चाहे बात करें LT गेट को लेकर, TGT PGT वाले शिक्षकों की बात करें या फिर 69,000 शिक्षकों की बात करें, 12,460 शिक्षक भर्तियों या फिर अन्य तमाम शिक्षक भर्तियाँ जो अभी भी दोस्तों न्यायालय में लंबित हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी और ज्यादा परेशान होते हैं जो दोस्तों किसी भी भर्ती के अंदर चयनित नहीं हो पाते हैं। अब उनका इंतजार होता है कि भर्ती कब आएंगी, कब तक देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों तमाम शिक्षक भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। मैं आप सभी को दोस्तों वन बाय वन करके सारी शिक्षक भर्ती के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण आदेश को भी दोस्तों हम दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप सभी को पता चलेगा अगर इस प्रकार दोस्तों यहां पर फॉलो किया जाएगा तो और भी दोस्तों बेनिफिट अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी शिक्षक भर्तियों के बारे में दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, लगभग दोस्तों मैंने सभी शिक्षक भर्तियों पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आप सभी को बता दिया है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों आई बटन के अंदर आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर TGT PGT 218,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसके बारे में सुबह की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है कि बायोलॉजी के पद दोस्तों आप सभी को नहीं देखने के मिलेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ आप सभी को यहाँ पर दोस्तों ये भी पता है कि 18,000 पदों की संख्या पहले बताई गई थी, एक बार फिर से यहां पर जो अध्याचन है वो लिए गए, लेकिन जो अध्याचन लेने का सिस्टम है उत्तर प्रदेश के अंदर वह काफी ज्यादा खराब है, और हाल ही में जो आदेश आया वो काफी अच्छे तरीके से दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती की दोस्तों अगर बात करें, TGT PGT की आने वाली है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, सितंबर के दूसरे सप्ताह में बताई जा रही है। अगर सितंबर के अंत तक भी आ जाती है तब भी अभ्यर्थियों को यहां से बड़ी राहत देखने के लिए मिल सकती है। मैंने दोस्तों बता दिया कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार सब्जेक्ट दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। इस पर दोस्तों डिटेल वीडियो मैंने आप सभी को पहले से बता दिया है, जल्द सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों पहली शिक्षक भर्ती हो जाती है 18,000 शिक्षकों की भर्ती, जो कि जल्द आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में दोस्तों अगर बात करें TGT PGT के लगभग 34,000 पदों पर एक और शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जो कि दोस्तों मामला है तदत्त शिक्षकों का। आप सभी को याद होगा दोस्तों, अब से 4-5 दिन पहले मैंने आप सभी को दिखाया था तदत्त शिक्षकों के बारे में, जहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत मिली है। अब इन 34,000 पदों की दोस्तों अगर बात करें, इससे संख्या ज्यादा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि सभी पदों को 2022 से पहले भरना है। तो आगामी समय के अंदर दोस्तों आपको इन पे भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि लगभग 34,000 पद होंगे। TGT PGT की दोस्तों आप सभी मान के चलिए चयन बोर्ड से वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों TGT PGT लगभग 18,000 या 16,000 पदों पे आपको वैकेंसी देखने की मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों 34,000 पदों का मामला आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन चयन बोर्ड का जो कार्य दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर दोस्तों जल्दी जल्दी भर्ती कराएंगे तभी 2022 तक आपको जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेंगी। और जो भी अभ्यर्थी दोस्तों तैयारी करें उन सभी को बताना चाहूँगा, जो आगामी समय दोस्तों प्रदेश के अंदर बन रहा है वो आप सभी को बताए चुनाव का है, और चुनाव के समय पर दोस्तों भर्तियाँ और भी तेज़ी से आप सभी को देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो 100% दोस्तों चुनाव से पहले आप सभी के एग्जाम तो करा लिए जाएंगे, बाकी दोस्तों आप सभी को पता है थोड़ा समय लग सकता है। उम्मीद करते दोस्तों 69,000 जैसा हाल किसी भर्ती का ना हो। तो ऐसे में दोस्तों दो बड़ी भर्तियां आप सभी को TGT PGT की देखने के लिए मिलेंगी, जो कि दोस्तों आगामी समय के अंदर आने, और इन दोनों पर दोस्तों डिटेल वीडियो मैंने आप सभी को बना करके बता दिया, आई बटन के अंदर आप सभी देख पाएंगे। अगली दोस्तों वैकेंसी का अगर बात करें, जो कि 5,000 जूनियर की वैकेंसी है, इस पर दोस्तों आगामी समय के अंदर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। कब तक आएगा इसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों उम्मीद थी कि TET से
पहले आ जाएगा, लेकिन अधिकारियों की गलती की वजह से अभी तक दोस्तों इसका जो विज्ञापन है वो नहीं आया। तो ऐसे में मान के चलिए जब तक आपका यूपी टेट नहीं हो जाता है तब तक आपको दोस्तों इसका विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा। रीज़न आप सभी को पता है कि यहाँ पर दोस्तों TET अलाउ है, अपर टेट दोस्तों आप सभी का लगेगा जो 6-8 वाला होता है। इस वजह से दोस्तों 5000 पदों पर जो भर्ती होगी अब दोस्तों उम्मीद है कि TET के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में दोस्तों एक और शिक्षक भर्ती की अगर बात करें जो कि आती है प्राइमरी के अंदर, लगातार अभ्यर्थी पूछते भी आते हैं कि कब तक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, तो एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जूनियर की भर्ती हो या प्राइमरी की भर्ती हो 69,000 पूरी होने के बाद में और साथ में अगर बात करें TET होने के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी, उससे पहले दोस्तों भर्ती की उम्मीद करना ठीक नहीं है। इसी वजह से दोस्तों दोनों भर्तियों में हमने स्टार जो है लगा करके रखा हुआ है। जूनियर के दोस्तों आपको पता है 5000 पदों का अध्याचन देखने को मिला था, प्राइमरी में दोस्तों आपको पता होगा 69,000 भर्ती में आप सभी ने देखा होगा कि लगभग 51,112 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे में 50,000 मान करके चल सकते, हो सकता है इससे ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिले। लेकिन स्टार का जो मतलब है दोस्तों वही है कि यूपी टेट के बाद ही आपको ये वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी जो दोस्तों प्राइमरी और जूनियर की आएगी, लेकिन जो TET 18,000 आने वाली है वो पहले आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, उसका यूपी टेट से कोई मतलब नहीं। अब सवाल यहां पे ये भी आ जाता है कि यूपी टेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। टेट की दोस्तों अगर बात करें उम्मीदें ऐसी हैं कि दोस्तों अक्टूबर महीने के अंदर आपके जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे और दिसंबर में दोस्तों जो आपकी परीक्षा है वो आयोजित करा ली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी दोस्तों यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, आगामी समय के अंदर जल्द दोस्तों आपसे यहां पर यूपी टेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि दिसंबर माह के अंदर आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, उम्मीदें ऐसी ही देखने के लिए मिल रही हैं। और जल्द दोस्तों अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो हो सकता है सितंबर के अंत तक दोस्तों आपके जो आवेदन है वह भी दोस्तों यहां पर ले लिए जाएं। तो लगभग दोस्तों अगर बात करें शिक्षकों की भर्ती के बारे में, ये दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी जो कि दोस्तों 100% वैकेंसियां तो आएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें समय भी कुछ वैकेंसी दोस्तों जहां से जल्द भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ में थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी को दोस्तों आगामी समय के अंदर वैकेंसियाँ देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। एक और दोस्तों भर्ती के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा जो कि दोस्तों प्राइमरी की भर्ती है, लगभग 231,000 पदों पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी जो कि राजस्थान में है। हाल ही में दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ बताया था कि BSTC पर दोस्तों आप सभी यहां प्रथम वरीयता दी जाएगी, बीएड को नहीं दी जाएगी, मतलब बीएड को सेकंड वरीयता दी जाएगी, जो कि दोस्तों मैंने आप सभी को कल परसों के वीडियो के अंदर आप सभी को बताया भी है। और 31,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अब से लगभग 5 महीने पहले मैंने डेडिकेटेड 2 वीडियोस बनाए थे जिसके अंदर मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि 31,000 पदों पर दोस्तों भर्ती होगी, उसके अंदर उम्मीदें ऐसी थी कि जो आपका परीक्षा का एग्जाम होने की उम्मीद थी वो दोस्तों अगस्त के अंदर थी, लेकिन लॉकडाउन हो जाने की वजह से, कोरोना के आ जाने की वजह से थोड़ी सी दोस्तों भर्ती डिले हो गई है। अब जल्द दोस्तों इसका जो विज्ञापन वो आपको देखने को मिलेगी। तो ज्यादा जानकारी के दोस्तों 31,000 वैकेंसी के अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन के अंदर मैंने आपको लिंक दिया, वहां से जाकर आप सभी देख पाएंगे। 31,000 वैकेंसी में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी यहां पर दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। 5% जनरल का कोटा दोस्तों यहां पर देखने के लिए मिलता है जो कि अदर स्टेट के लिए होता है, तो ऐसे में BTC वाले जो अभ्यर्थी हैं या BED वाले अभ्यर्थी हैं 100% आवेदन कर पाएंगे। इसके बारे में जानकारी दोस्तों मैंने स्पेशल वीडियो के अंदर दे दी है, जिसके बारे में दोस्तों हाल ही शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान भी दिया गया था कि जल्द दोस्तों आपसे यहाँ से विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन BED वालों की यहाँ से दोस्तों अच्छी खबर नहीं है, जो कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता दी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती प्राइमरी जूनियर शिक्षकों की भर्ती के बारे में, जो दोस्तों आप सभी के आगामी समय में विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे, कब तक आएंगे इसके बारे में दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है। कुछ TET के बाद भी आने वाले, लेकिन कुछ TET से पहले आ जाएंगे, जैसे कि 31,000 की बात कहें या फिर 28,000 की बात कहें। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा कि आप सभी को बताएं जब भर्तियाँ आने वाली होती हैं तो यहाँ पर दोस्तों अध्याचन मांगे जाते हैं। अगर बात करें अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की कमी देखी जाती है, जो कि दोस्तों सरासर गलत है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पाएंगे हाई कोर्ट की तरफ से भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे तो दाखिला लेंगे ही, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जब सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षक ही नहीं होंगे तो अभ्यर्थी कहाँ से आएंगे, अभ्यर्थी की संख्या लगातार गिरती जाएगी। इसी वजह से अभ्यर्थी जो है अगर बात करें जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने मिलेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए अगर तय समय पर भर्तियाँ नहीं होंगी तो ऐसे में बैकलॉग बनता जाएगा और सरकारी शिक्षण संस्थानों का जो शिक्षा का स्तर है गिर जाएगा। MCD के वकील ने कोर्ट को बताया कि स्टूडेंट के दाखिले में कमी आई है, ऐसा ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने मिला है कि इस पर जस्टिस सचदेवा ने कहा कि यह तो बहुत खराब बात है कि जब आपके पास स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे किस प्रकार आएंगे। आप सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में अंदाजा लगा सकते हैं 69,000 शिक्षकों की दोस्तों अभी तक भर्ती नहीं हुई है, 51,000 पद पहले से खाली हैं, 5,000 जूनियर के अंदर खाली हैं, TET PGT के अंदर 28,000 पद खाली हैं। अब ऐसे में बाद में सरकार की तरफ से यह कह दिया जाता है कि भाई यहाँ पर तो बच्चे ही नहीं, बच्चे आएंगे कहाँ से जब आपके पास शिक्षक ही नहीं है। शिक्षकों की कमी के चलते दोस्तों आप सभी को बताया कि जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों
होता है नहीं, ये देखने के लिए मिलते हैं। तो यह जो आदेश है दोस्तों, अगर बात करें कोर्ट का, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि दोस्तों आप सभी को देखने मिला है कि DSP दोस्तों जल्द आप सभी के सामने, DSSP की बात कर रहा हूँ, है ना, SB इसलिए बोला है, आगामी समय के दोस्तों बंपर शिक्षक भर्ती निकाल सकता है। हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जो कि दोस्तों आप सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार दोस्तों अखबार के अंदर लिखा है वही जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे जल्द दोस्तों आपको यहाँ से भी एक बंपर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। राजस्थान में भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लाखों संख्या पद जो खाली पड़े हुए हैं, अगर इसी प्रकार दोस्तों जो पदों को भरा जाएगा, पदों को भरे जाने के बाद में अगर दोस्तों स्कूलों के अंदर पर्याप्त शिक्षक होंगे तभी दोस्तों यहाँ पे आपसी को जो स्टूडेंट देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम पहले से स्टूडेंट का आंकड़ा लेते रहेंगे फिर उसके बाद भर्ती निकालेंगे, भर्ती निकालने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जब तक जो आपकी भर्ती आती है 3 से 4 साल लग जाते हैं, कभी मामला सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ऐसे करते करते जहाँ पर जो अभ्यर्थी की संख्या 30 थी वो वहाँ पर दोस्तों 15-10 के आसपास रह जाती है, क्योंकि लगभग 2 साल दोस्तों भर्तियों में लग जाते हैं अगर भर्तियाँ तय समय पर पूरी दी जाएंगी, जो कि दोस्तों जज साहब की तरफ से भी कहा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो बैकलॉग है वो नहीं बढ़ेगा, और साथ में अगर बात करें बच्चों की संख्या में भी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो जल्द दोस्तों आप सभी को यहां से एक और भर्ती देखने के लिए मिल सकती है जो कि DSSB की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आगामी समय के अंदर जितने भी दोस्तों अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों की भर्तियां तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है, आगामी समय में दोस्तों जो भी भर्ती आने वाली है उसकी दोस्तों आपसी प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ज़्यादा जानकारी आप सभी दोस्तों अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।